पंजाब के वरिष्ठ नेता मनप्रीत बादल ने बीजेपी ज्वाइन की है, इनसे बात करते हैं। बादल साहब, अचानक ये निर्णय आपका सामने आया, क्या वजह रही? सब अचानक तो नहीं, कई महीनों से इस पे मंथन हो रहा था। कांग्रेस पार्टी में एक घुटन महसूस हो रही थी और घुटन इस बात की थी कि जो वहां की लीडरशिप है उनको मिलना बड़ा मुश्किल है। उनसे दो दो तीन तीन साल गुजर जाते हैं, उनसे मीटिंग नहीं हो पाती। और एक हाई कमांड का वहां का कल्चर है, वहां के जो दिल्ली से जो जनरल सेक्रेटरी वगैरह वहां उसको चला रहे हैं, तो पता नहीं ये पहले से था क्योंकि मैं भी नया ही था कांग्रेस में, पर कांग्रेस में बेसिकली धड़ों की राजनीति को इनकरेज करते हैं। तीन चार धड़े होंगे, फिर उनको आपस में लड़ाया जाता है और हाई कमांड जो है वो उस पर कोई डिसिप्लिन रिएक्शन नहीं लेती। तो दरअसल राजनीति जो है वो बामकसद होती है, राजनीति का कोई मकसद तो होना चाहिए। ये मकसद तो नहीं है ना कि एमएलए एमपी बन गए, तो मकसद तो ये है कि मुल्क आगे जाएगा, गुर्बत दूर होगी, रोजगार जो है उस पे काबू, बेरोजगारी पे काबू होगा। समझते हैं कि ये सब बीजेपी कर सकती है। पिछले जो 8 साल से जो ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का वो अच्छा रहा है और पार्टी में डिसिप्लिन है। और देखिए, एक जब तक आपको अपना पीछा याद नहीं है, आपको अपना आगे वाला आने वाला हाल भी नहीं दिखता। यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ हिस्ट्री टू गेट अ सेंस ऑफ डेस्टिनी। मुझे लगता है कि ये पार्टी जो है ये सिंसियर और संजीदा है हिंदुस्तान के फ्यूचर के बारे में। अच्छा, मैं एक सवाल करूंगा। कल तक आप थे कांग्रेस में और कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो बयान दे रहे हैं कि सर कटा लूंगा लेकिन आरएसएस के दफ्तर नहीं जाऊंगा। आज आपको हम बीजेपी के दफ्तर में देख रहे हैं, तो आप एतबार नहीं रखते उनकी बात से? सब मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि अगर परमात्मा किसी चीज को नापसंद करता है, पंजाब परमात्मा नफरत करता है, तो वो करता है इंसान के गरूर से, तकब्बर से, अहंकार से। तो मुझे लगता है ये जो बयान है इसमें एक गरूर और अहंकार है, ये परमात्मा को पसंद नहीं है। मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल, बहुत बड़े लीडर हैं, उनके बारे में मैं क्या बोलूं? मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल है आपसे कि पंजाब में बीजेपी की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, तो आप जब शामिल हो रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारियां कुछ तय हुई हैं, क्या करेंगे, कोई शर्तें रखी हैं आपने? देखिए, जहां इश्क होता है वहां शर्तें नहीं रखी जाती, तो कोई शर्त नहीं है, सिर्फ एक ही शर्त है कि पंजाब को पटड़ी पे लाएंगे। तो मनप्रीत बादल को आपने सुना कि उनका कहना है कि कोई शर्त नहीं रखी है बीजेपी में आने के लिए, और इनका विश्वास है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है। कांग्रेस में जो गुटबाजी है उस पर इन्होंने इशारा किया और कहा कि वहां पर तो आला कमान से भी मिलना मुश्किल हो जाता है और वहां सभी धड़े आपस में ही लड़ते रहते हैं। ऐसे में पंजाब को आगे ले जाने के लिए और भारत के विकास में पंजाब योगदान कर सके, ये सुनिश्चित करने के लिए मनप्रीत बादल का कहना है कि वो बीजेपी में आए हैं, उनकी कोई शर्त नहीं है और जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो निभाएंगे। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।